चल हवा ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा नदी का किनारा ये चंचल हवा आपको बता दूं कि ये जो परफॉर्मेंस थी ये एक नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस थी हम हैं क्योंकि जिंदगी में ख्वाब हैं हमारे जजेस एचआर और विशु सर का ख्वाब था कि इस स्टेज पर जो भी हो फाड़ू हो इस स्टेज पर जो भी आए फाड़ू आए और उनका ये ख्वाब आज फिर पूरा होगा क्योंकि आज आ रही है सोनी लिव के नए शो फाड़ू से टीम फाड़ू यानी कि सयामी खेर पवेल गुलाटी और अभिनाश थपलियाल के साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट सेंसिबल डायरेक्टर्स टुडे अश्विनी अय्यर तिवारी तेरे लिए
अरे भाई ये तो जगत पापा बन चुके हैं. आप सबका इंडियन आइडल में स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. और मेरा पहला बहुत ही अहम सवाल आपसे ये है कि आपके शो का नाम फाड़ू है तो इसमें क्या फटता है? यहाँ पर लव स्टोरी फटती है क्योंकि हमारे जो राइटर है सौम्या जोशी, उन्होंने जब वो मैम के पास लेकर आए थे स्क्रिप्ट तो उन्होंने ये बोला था कि कोई भी लव स्टोरी ना नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, सब कुछ फाड़ू होना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फाड़ू. हमारा शो फाड़ू है पर यहाँ के कंटेस्टेंट्स तो बिल्कुल ही फाड़ू है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत मजा आता है आपको. मैं हर हफ्ते सुनती हूँ. मेरा तो इंडियन आइडल के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है. जब भी मेरी कोई भी फिल्म आई है तो आई हैव ऑलवेज यूज्ड द सिंगर्स फ्रॉम इंडियन आइडल. इट इज़ वेरी नाइस कि हम यंग टैलेंट को इंकरेज करें एंड द होल वर्ल्ड सीज यू. आपको सिर्फ अच्छा काम करना है और लोग आपको आएंगे ढूंढने के लिए. थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके इस नए शो फाड़ू के लिए. प्लीज टेक योर सीट्स, एंजॉय आवर शो. और अब आलसी नंबर वन इनकी क्रूर माँ ने सोफे पर आलस को एंजॉय करते हुए अपनी बेटी से कहा, बाहर जाकर देख ठंड है क्या? बेटी बोली, खिड़की से देखो ना, सबने स्वेटर पहना है, मतलब ठंड है. माँ बोली, लाइट ऑफ कर दे, रोशनी चुभ रही है. ये बोली, आग बंद कर लो, लाइट नहीं चुभेगी. माँ बोली, आलसी लड़की कम से कम दरवाजा तो बंद कर दे. ये बोली, दो काम मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं, ये वाला आप कर दो. One आलसी गर्ल. और तभी भगवान भी जिनसे कहते हैं सोनाक्षी कुछ कर, सोनाक्षी कर. सोनाक्षी आज आपने क्या तैयारी की है? आदि भैया आज इतने स्पेशल गेस्ट्स हैं हमारे बीच जो खासकर हमारे लिए आए हैं और ये इतने एनर्जेटिक है तो मुझे उनकी एनर्जी मैच करनी थी तो मैंने सोचा मैं कैसे निभा पाऊंगी. तो मैंने एक लंबी सांस ली और अपने आप पे पूरा भरोसा किया कि ये परफॉर्मेंस को यादगार बनाऊंगी. बिल्कुल सही किया, अपने आप पे फुल भरोसा रखो और शुरू हो जा. Thank you.
ये गाना पंचमदा का वो गाना है जो मुझे लग रहा है कि सदियों तक कोई इसे रिप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा. और सोनाक्षी, तुमने इस गाने को पंचमदा के उस की जो एक इज्जत है, गरिमा है, उसको तुमने बिल्कुल छोटा नहीं होने दिया. तुमने बहुत अच्छा गाया. अंतरा तुमने इतना अच्छा गाया. ओ माय गॉड. और वो अंतरा फिर से एक बार एडलिब में सुना दो मुझे यार. जब भी सारे लता जी को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्रिब्यूट्स पे किए हैं. और अभी जो आपने गाया, ये एडलिब जो गाया, अब तक के लता जी के लिए सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट यही था कि तेरे बिना जिया जाए ना. थैंक यू सर. तो हम एक शब्द में खड़े होके कहेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1, इट वाज फाड़ू परफॉर्मेंस. क्या बात है, वाह. प्लीज वेलकम नवदीप वडाली. नवदीप, आपसे मिलने जो खास गेस्ट आए हैं, आइए देखते हैं. 85 साल की उम्र के नाना जी यानी श्री आर के चौधरी, जिन्होंने इस उम्र में कुछ ऐसा सोचा जो आम आदमी की सोच से परे है. उम्र के इस पड़ाव में वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बने. अपने और अपने परिवार में आई हर एक हेल्थ प्रॉब्लम को उन्होंने खुद ही अपनी आयुर्वेद की नॉलेज से सॉल्व किया. जब एक बार उनकी बेटी ने उन्हें अपने हेयर फॉल प्रॉब्लम के बारे में बताया तो उन्होंने अपनी 25 साल की आयुर्वेद की रिसर्च से एक हेयर ऑयल बनाया जो इतना कारगर साबित हुआ कि उनकी बेटी के न सिर्फ बाल झड़ना बंद हो गए बल्कि मजबूत भी हो गए. और उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को आस पड़ोस के लोगों को भी फ्री में दिया. पर धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ती गई जिसमें उनका पूरा सहयोग दिया नानी जी यानी कि उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी ने. एक छोटे से घर के किचन से शुरू हुआ ये काम आज एक 3 मंजिला बिल्डिंग का रूप ले चुका है. और सिर्फ 3-4 सालों में ही आज उनका ये बिजनेस करोड़ों का हो चुका है. वो कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती, ये साबित किया है 85 साल के नाना जी और लगभग 80 साल की नानी जी ने. उम्र के इस पड़ाव में एक सफल एंटरप्रेन्योर बन गए. नमस्कार सर, क्या शो चुना है आपने आने के लिए. क्या बात है सर, 3 सीजन से हम ये खोज रहे हैं कोई कौन कैसे कैसे कब, और आज साक्षात आपने दर्शन दे दिए सर. ये मेरा सौभाग्य. क्या बात है सर. और आपकी जो टैगलाइन है ना कि बाल तो उगा के ही छोड़ूंगा, ये टैगलाइन है. हाँ हाँ हाँ.
क्या कुछ इनके बालों का आप कुछ कर सकते हो क्या? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.